हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां गंगा दशहरा का पर्व आज हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मेला क्षेत्र को 10 जोन और 26 सेक्टर में बांटा गया है। भारी वाहनों की शहर में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से गंगा दशहरा का पर्व आज हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, भारी संख्या में श्रद्धालुओं की यहां भीड़ उमड़ी है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो गंगा दशहरा का पर्व आज मनाया गया। गंगा दशहरा के इस पर्व के मौके पर भारी संख्या में यहां लोगों की भीड़ उमड़ी, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, गंगा स्नान के लिए लोग यहां पर पहुंचे, गंगा दर्शन के लिए यहां पर लोग पहुंचे। तो गंगा दशहरा का ये पावन पर्व आज मनाया गया, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची, इसको लेकर इंतजाम भी किए गए। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र चौधरी मेरे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, आज कैसा माहौल देखा गया गंगा दशहरा के इस पर्व के मौके पर? अब गंगा दशहरा का पर्व है और आज के दिन गंगा स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। उस समय मैं हर की पौड़ी पर मौजूद हूँ और आज की अगर बात करूँ तो देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जब आज सुबह से ही स्नान का जो क्रम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। जो गंगा दशहरा का महत्व है, आज के दिन जो गंगा स्नान करते हैं तो 10 तरह के आदमी के जो पाप है वो नष्ट होते हैं, व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, इसके साथ ही घर में सुख शांति आती है। तो यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, सुबह से गंगा स्नान कर रहे हैं, क्योंकि तेज धूप है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो जो लोग आज गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो डबल कह सकते हैं कि फायदा वो यहाँ पर उठा रहे हैं, तो पुण्य अधिक कर रहे हैं। उसके साथ ही जब गंगा में स्नान करते हैं तो गर्मी से भी राहत मिलती है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर बात करें हरिद्वार हस्ती साड़ी की सुभाष राष्ट्रीय जिसमें भी यहाँ पर घाट है, ऐसा था कि यात्रियों से भरे हुए हैं, बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो वहाँ का स्थान तक कई लाख में यहाँ पर पहुंच जाएगा, काम की प्रशासन हालांकि आंकड़े जारी करेगा। लेकिन अभी की बात करें तो पूरा हस्ती साड़ी का जो नजारा है यहाँ पर रखने की भी जगह नहीं है, आराम से व्यक्ति खड़ा भी नहीं गंगा घाट पे हो सकता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही जो क्रम है गंगा स्नान का वो यहाँ पर चल रहा है। सारे लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, उसके बाद मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं और अपना पुण्य अर्जित कर रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, दर्शकों को थोड़ा गंगा दशहरा के इस पर्व के बारे में बताइए, क्या ये पर्व होता है, किस तरह से इस पर्व को मनाया जाता है? श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचते हैं तो वहां पर क्या क्या करते हैं, किस तरह से वहां पर क्या पूजा अर्चना की जाती है, क्या गंगा नदी में स्नान करने के बाद क्या उसका महत्व होता है, तमाम अलग अलग चीजें हैं, इनको लेकर थोड़ा विस्तार से बताइए। आज यहाँ पर नजारा है, ये सामने ये ब्रह्मपुर है जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। जब कुंभ या स्नान भी होता है तो लोग यहाँ पर आके डुबकी लगाते हैं। इसके साथ ही ब्रह्मपुर के जो आस पास आप देखेंगे ये पूरा हल्की पैड़ी का नजारा है। आप देख सकते हैं कि जहाँ भी आपकी नजर जाएगी तो खसा के पूरा यात्रियों के श्रद्धालुओं से ये भरा हुआ है। पूरा जो नजारा है वो चारों तरफ अगर देखेंगे तो श्रद्धालु भी दिखाई दे रहे हैं, गंगा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आज गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा के दिन जो मान्यता है आज के दिन ही गंगा जी धरती पर अवतरित होती है और
जो राजा भगीरथ हैं अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए उन्होंने लंबी तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होने के बाद गंगा जी धरती पे अवतरित हुई थी। तो ये मान्यता है और आज के दिन का विशेष महत्व बताया गया है कि जो व्यक्ति आज के दिन गंगा स्नान करता है और पूजा पाठ करता है तो उसे काफी पुण्य की प्राप्ति है। जैसा मैंने पहले बताया कि आज के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के जब तरह से जो पाप है वो नष्ट होते हैं और उसके कारण घर में सुख शांति आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यही मान्यता है कि इस समय देश के जो कई राज्य है हरियाणा पंजाब राजस्थान दिल्ली उत्तर प्रदेश इसके साथ आसपास और जो भी जो राज्य है वहां से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सड़कों पर जाम का नजारा है, सुबह 4-5 बजे से सड़कों पर जाम लग चुका था, कई किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। लोग बहुत ही दिक्कतों के साथ परेशानियों को झेलते हुए यहाँ हर की पारी तक पहुँच पा रहे हैं। मेरी बात की जाए तो मैं भी अपने मैं यहीं का रहने वाला हूँ और करीब 1 घंटे में घर के हर की पारी तक पहुँच पाया तो बहुत ज्यादा रक्त सड़कों पर है, बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन चूंकि आज का जो पर्व है वो बहुत ही पवित्र है और यही मौका है कि जो श्रद्धालु है भले कितनी परेशानी है दिक्कत है सब लोग हल्की पैड़ी पहुंचना चाहते हैं, गंगा स्नान करना चाहते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं यहाँ पर गंगा स्नान। जी धर्मेंद्र, मुझे ये बताइए कि श्रद्धालुओं की भीड़ जिस तरह से अभी लगी हुई है, क्या दिन चढ़ते चढ़ते भी ये भीड़ उतनी ही देखी जाएगी या फिर और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी रहेगा और कब तक ये चलता रहता है वहां पर? देखिए गंगा दशहरा का पर्व है, आज का दिन गंगा स्नान का महत्व बताया गया है तो ये सुबह का नजारा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भीड़ कम होगी, भीड़ और बढ़ेगी क्योंकि लंबा लंबा जाम सड़कों पर यहाँ पर लगा हुआ है। यात्री जो चल पहुंचने वाले यात्री थे वो ही कह सकते हैं कि भीड़ नजर आ रही है, लेकिन जो आज आने वाले यात्री हैं तो इस समय हरिद्वार के चारों तरफ से बात करें जो बॉर्डर पे इधर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर लगे हुए हैं वहां से हरियाणा पंजाब सब जगह से यात्री पहुंच रहे हैं तो आज का जो नजारा है वो दिन भर यही यहाँ पर रहने वाला है। बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि नजारा बहुत खूबसूरत है, दूर दराज से लोग गंगा घाट पर पहुंचे हैं, यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और इस पावन पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई और इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र। चलिए